असलकुम बुक फॉर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट एट द वाइज विलेजर्स अक्लमंद गाँव वाले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूरियस तजस करने वाला मुतजस फर्टाइल जरखेज़ लुनेटिक्स पागल दीवाना मेथड तरीक़ा पेन नाइफ एक बहुत ही छोटा सा चाकू जो जेब में भी रखा जा सकता है जेबी चाकू स्टुपिड, बेवकूफ वाइल्ड फायर जंगल की आग इंतहाई तेज आग दे रिवर एक दफा का जिक्र है कि एक चौड़े दरिया के नजदीक एक गाँव वाकया था द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल वहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी एंड द पीपल हु लिव देयर हैप्पी एंड वेल्दी और वहाँ के लोग बहुत खुशहाल और अमीर थे दे हैड नो एनिमीज एंड लिव्ड पीसफुली उनका कोई दुश्मन न था और वो अमन से रहते थे दे ट्रबल नो वन एंड नो वन ट्रबल देम वो किसी को परेशान नहीं करते थे और ना ही उन्हें कोई परेशान करता था नॉट वेरी फॉर अवे फ्रॉम द विलेज देयर वॉज अ टाउन गाऊ से कुछ ही फासले पर एक कस्बा था वन डे द पीपल ऑफ द टाउन हेल्ड अ मीटिंग एक रोज कस्बे के लोगों ने एक इजलास किया दे गैदर इन द मार्केट प्लेस टू डिस्कस अ प्लान फॉर अ न्यू रोड वो एक नई सड़क के प्लान पर गुफ्तु करने के लिए बाजार में जमा हुए द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ड बिटवीन देयर टाउन एंड वन अबाउट फिफ्टी किलोमीटर्स अवे सड़क उनके कस्बे और एक और कस्बे के दरमियान बनाई जानी थी जो तकरीबन पचास किलोमीटर दूर वाक था आ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वॉज स्टडीड इलाके के एक बहुत बड़े से नक्शे का मुताे किया गया एंड द रूट वॉज सोन वर्कड आउट और जल्द ही एक रास्ता तैयार कर लिया गया दीपल डिसाइडेड हाउ मच मनी देवर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड लोगों ने फैसला किया कि वो सड़क तमीर करने पर कितनी रकम खर्च करेंगे न्यूज ऑफ द रोड रीच्ड द पीपल इन विलेज इस इजलास के बाद काम शुरू हो गया और सड़क की खबरें गांव के लोगों तक पहुंच गई सम ऑफ द विजेस गॉट टूगेदर कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर और मजीद मालूम हासिल करने के लिए गए दे रीच द टाउन जब वो कस्बे में पहुंचे दे वेंट स्ट्रेट टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड लुक्स एट द मैप तो वो सीधे जिले अफसर के दफ्तर में गए और नक्शे का जायजा लिया वेन दे रिटर्न होम दे कॉल द मीटिंग ऑफ द विजर्स जब वो घर वापस आए तो उन्होंने गाँव वालों का एक इजलास बुलाया वन ऑफ द मैन हुड सीन द मैप सेट फ्रेंड्स जिन आदमियों ने वो नक्शा देखा था उनमें से एक ने कहा दोस्तों टूडे सम ऑफ अ मैप ऑफ द न्यू रोड आज हम में से बास लोगों ने नई सड़क का नक्शा देखा है इट इज गोइंग टू पास क्लोज टू आवर विलेज ये हमारे गांव के नजदीक से गुजरेगी इट विल गो थ्रू बेस्ट फील्ड्स और ये हमारे चंद बेहतरीन खेतों में से गुजरेगी एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड और वो तबाह हो जाएंगे हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड हम इस सड़क को कैसे रोक सकते हैं द विजर्स वेरी एंग्री गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए तैश में आ गए सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट दे थॉट अप प्लान वो देर तक इजलास में बैठे रहे और आखिरकार उन्होंने एक मंसूबा बना लिया वीक आफ्टर द मीटिंग इजलास के एक हफ्ते बाद अन फ्रॉम द टाउन केम टू द विलेज कस्बे से एक आदमी गांव में आया एंड फाउंड द्राउड ऑफ पीपल बीसाइड द रिवर और उसने लोगों का एक बड़ा सा ग्रो दरिया के नजदीक मौजूद पाया द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस कस्बे का आदमी मुतजस हुआ ही वेंट अवर टू वेयर दीपल है जहां पर लोग जमा थेउड एंड सो एन अमेजिंग साइट वो हजूम में भीड़ में घुस गया और उसने एक हैरान कंजर देखा देअर वैवन मैन स्टैंडिंग ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर दरिया के एक किनारे पर सात आदमी खड़े थे एंड सेवन मैन ऑन द अदर और सात आदमी दूसरे किनारे पर थे They were holding a thick होल्डिंग थिक रोप the रिवर उन्होंने दरिया पर फैली हुई एक मोटी सी रस्सी थाम रखी थी इन द cup, दरमियान में से किसी ने एक प्याला दरमियान में उस रस्सी के बीच में किसी ने एक प्याला बांध दिया था जैसा कि आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहा है वट आर दे डूइंग आज द टाउन्स ये क्या कर रहे हैं कस्बे वाले आदमी ने पूछा दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर रिप्लाई द मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय वो दरिया से पानी निकाल रहे हैं नजदीक खड़े एक आदमी ने जवाब दिया विद अ कप आज द टाउन्स एक प्याले से कस्बे वाले ने पूछा रिप्लाइड द मैन ओ हाँ आदमी ने जवाब दिया बट इट विल बाल्टी भर पानी हासिल करने में घंटों लग जाएंगे कस्बे वाले ने कहा यस सेट द मैन इट इज स्लो हाँ आदमी ने कहा ये सुस्त रफ्तार है बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस मगर हम दरिया से हमेशा पानी इसी तरह हासिल करते हैं इट्स अलो वे बट इट ऑलवेज वर्स ये तरीका सुस्त रफ्तार है मगर यह हमेशा काम करता है द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज इन डीट कस्बे से आने वाला आदमी वाकई बहुत हैरान हुआ He scratched his chin and said to himself, Usne apni thodi aur kaha. These people are all mad. Yeh sab log When he got back to the town and told all his friends about what he had seen in the village, they laughed and laughed. जब वो कस्बे वापस पहुंचा और उसने अपने सब दोस्तों को बताया कि उसने गांव में क्या देखा है तो वो बहुत हंसे बिलीव डेट पीपल कुड बी सो टू उस आदमी के एक दो तो दोस्त यकीन ना कर सके कि लोग इतने बेवकूफ भी हो सकते हैं सो द नेक्स्ट डे टू ऑफ देम सेट ऑफ टू दिलेज टू सी For uh, लिहाजा हो गए गांव में पहुंचे दे फाउंड अज क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड टॉल ट्री जब वो गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक लंबे से दरख्त के गिर्द एक बहुत बड़ा मजमा लगा पाया देखा द ट्रंक ऑफ द ट्री वॉज नियरली टू मीटर्स वाइड दरख्त का तना तकरीबन दो मीटर चौड़ा था टू मैन वर busily वर्किंग ऑन द ट्रंक दो आदमी बड़ी मसरूफियत के आलम में तने पर काम कर रहे थे ईच हैड अ स्मॉल पेन नाइफ इन हिज हैंड हर एक के हाथ में एक छोटा सा जेबी चाकू था एंड वॉज कटिंग द वुड और वो लकड़ी काट रहा था दे वर वर्किंग सो हार्ड द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोर हेड्स वो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि पसीना उनकी पेशानियों से टपक रहा था वट आर दे डूइंग ये क्या कर रहे हैं आस्ट मैन फ्रॉम द टाउन कस्बे से आने वाले आदमियों में से एक ने पूछा Why they are cutting down the tree, replied one of the villagers. Can't you see? क्यों दरख्त काट रहे हैं? गांव वालों में से एक ने जवाब दिया क्या तुम नहीं देख सकते With pen knives, asked the townsman. मैन जेपी चाकुओं से कस्बे वाले ने पूछा Yes, said a villager in the crowd, we always cut trees down with pen knives. हाँ, हजूम में से मौजूद एक गांव वाले ने कहा, हम हमेशा ग्राह्तों को जेबी चाकू की मदद से ही काटते हैं। But it will take a year or two, said the townsman. मगर इसमें एक दो साल लग जाएंगे, कस्बे वाले ने कहा. हाँ yes, गांव वाले ने जवाब दिया इट इज स्लो बट इट इज सुस्त रफ्तार है मगर एक अच्छा ये हमेशा काम करता है द मैन फ्रॉम द टाउन वर क्वाइट एस्टॉनिश्ड कस्बे से आने वाले आदमी बहुत हैरान हुए दे to द टाउन वो वापस कस्बे में गए द स्टोरीज अबाउट द विलेजेस एंड देयर ऑन बिहेवियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर गांव वालों और उनके अजीब रवैयों के बारे में कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गई दोज पीपल आर क्वाइट मैड द टाउं फॉक सेट ये लोग बिल्कुल पागल हैं कस्बे वालों ने कहा द न्यूज इवन रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहां तक के खबर जले अफसर तक भी पहुंच गई वट ऑल दिस अबाउट ही आस्ट ये सब क्या है उसने पूछा उसने दर्याफ्त किया और दिलेजर्स रियली मैड क्या गांव वाले वाकई पागल है येस इन डीड दे आर रिप्लाइड हिस्स चीफ क्लर्क हाँ वाकई वो हैं उसके चीफ क्लर्क ने जवाब दिया दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विद अ कप वो दरिया से प्याले के जरिए प्याले के साथ पानी निकालते हैं एंड दे कट डाउन ट्रीज विद पेन नाइव्स और वो दरख्तों को जेबी चाकुओं से काटते हैं दे आर क्वाइट क्रेजी वो बिल्कुल पागल हैं आर डेंजरस आस्क द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वसली क्या वो खतरनाक है जलई अफसर ने घबराहट के साथ पूछा आई डोंट नो रिप्लाइड द क्लर्क मैं नहीं जानता क्लर्क ने जवाब दिया द द फॉलोइंग डे ऑफिसर एंड अ फ्यू ऑफ द अदर पीपल ऑफ द टाउन अगले रोज जलई अफसर और कस्बे के चंद और अहम लोग वेंट टू द विलेज टू फाइंड आउट मोर मजदlumat हासिल करने के लिए एक गांव में पहुंचे when they got there they saw a long line of women walking to and from a large anthill जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने औरतों की एक लंबी लाइन एक लंबी कतार चींटियों के बनाए हुए एक बड़े से घर तक आती और जाती देखी each woman was carrying a basket हर औरत ने एक टोकरी उठा रखी थी द फर्स्ट द लाइन स्टेप अप टू द एंट हिल कतार में मौजूद पहली औरत आगे बढ़कर चूंटियों के घर तक पहुंची एंड टुक एन आंट फ्रॉम द moist अर्थ और गीली जमीन में से एक चींटी उठा ली शिपुट द एंट इन हर बास्केट उसने च्यूंटी को अपनी टोकरी में डाला एंड कैरीड इट अवे और उसे ले गई व्हाट आर दे डूइंग देश डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये क्या कर रही है हैरत सदार जलई अफसर ने पूछा दे आर कैरिंग अवे एंड रिप्लाई द मैन स्टैंडिंग नियर बाय वो चूंटियाँ उठाकर ले जा रही हैं नज़दीक खड़े एक आदमी ने जवाब दिया वाई आस्था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्यों जिलेही अफसर ने दरियाफ्त किया बिकॉज आंट्स आर वेरी डेंजरस सेट द मैन क्योंकि चूंटियाँ बहुत खतरनाक होती हैं आदमी ने कहा दे ईट एवरी थिंग वो हर चीज खा जाती हैं। अवे हमें इन्हें उठा ले जाना पड़ता है बट वन इन ईच मगर हर टोकरी में एक जली अफसर चलाया डेट ये मुझे का खेस है वी ऑलवेज डू इट डेट वे हम ये हमेशा इसी तरीके से करते हैं रिप्लाइड द मैन आदमी ने जवाब दिया इट्स स्लो ये सुस्त रफ्तार है बट इट्स अ गुड मैथड मगर ये एक अच्छा तरीका है इट्स ऑलवेज वर्क ये हमेशा काम करता है वेन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टर्न टू द टाउन ही कॉल्ड मीटिंग जब जलई अफसर कस्बे में वापस पहुंचा तो उसने एक इजलास बुलाया आई है विलेज ही अनाउंसड मैं गाँव गया था उसने ऐलान किया द पीपल देयर आर क्वाइट मैड वहां के लोग बिल्कुल पागल हैं दे टेक आउट ऑफ़ द रिवर विद अ कप वो दरिया से प्याले के साथ पानी निकालते हैं दे कट डाउन ट्रीज विद पेन नाइस वो दरख्तों को जेबी चाकुओं से काटते हैं दे कैरी एंड्स अवे वन बाय वन वो चूंटियों को एक एक करके उठा ले जाते हैं दे आर लोनेटिक्स वो पागल है दीवाने हैं डोंट गो नियर दम उनके नजदीक मत जाना बट वन ऑफ द सेक्ट्रीज आवर न्यू रोड इज गोइंग टू गो राइट पास डेट विलेज मगर जनाब सेक्ट्रियों में से एक ने कहा हमारी नई सड़क उस गाँव के बिल्कुल पास से गुजरती है देन चेंज द प्लान रोड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम फिर नक्शा बदल लो जिले द रोड अलॉन्ग दिल हम सड़क को पहाड़ी के ऊपर तमीर कर सकते है इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर डेट विलेज उसे उस गाँव के नजदीक तमीर नहीं होना चाहिए सो द रोड वॉज बिल्ड अलोंग द टॉप ऑफ द हिल लिहाजा सड़क पहाड़ी के ऊपर तामीर हुई एंड नॉट गो एनी वेयर नियर दिलेज और गाँव के बिल्कुल नजदीक न गई द पीपल ऑफ द विलेज क्लोथ देअर फील्ड गाँव के लोगों ने अपने खेतों में हल चलाए एंड वेंट बैक टू देअर अनडिस्टर्ब वे ऑफ लाइफ और वो अपनी अमन व अमान वाली जिंदगी जिसमें कोई गड़बड़ न थी की तरफ लौट गए देवर नाट मैट एट ऑल वो बिल्कुल पागल नहीं थे दे वेरी वाइज वो बहुत अक्लमंद थे तो ये कम्प्लीट होगी आपकी रीडिंग और ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखना मत भूलिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़